किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लॉक कहाँ से होती है, ये देखिए। अच्छा, अरे वाह, इसकी में लाइट भी है, अगर आप अंधेरे में कहीं खड़े हैं तो आप लाइट से की होल देख के इसका लॉक खोल या बंद सकते हैं। बहुत जबरदस्त। Hey guys, this is Sandeep Chikara and you are watching Desi Vlogs. तो guys, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि नेक्स्ट जो रिव्यू आपको मिलने वाला है वो इस वाली इलेक्ट्रिक साइकिल का आपको रिव्यू मिलेगा। और जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन और आपको पूरी की पूरी रेटिंग इस वाली इलेक्ट्रिक साइकिल की आपको बताई जाएगी। और जैसा कि हर बार हमें जो स्पेसिफिकेशन बताने के लिए हमारे साथ रहते हैं यहाँ के जो ओनर हैं विनीत जी, और अभी सारी डिटेल्स और सारी स्पेसिफिकेशन हमें विनीत जी बताएंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले विनीत जी से एक बार आपको मिला देता हूँ। विनीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, जैसा पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इस वाली इलेक्ट्रिक साइकिल का रिव्यू हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार पूछना चाहूंगा विनीत जी, इससे अलग भी कुछ अलग देखने को मिल सकता है हमें? हाँ जी, बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं हमारे, लेकिन दिवाली के नियर अराउंड आएंगे और ऐसे ऐसे यूनिक मॉडल्स हैं कि आपने यहाँ पे इंडिया में नहीं देखे होंगे। गारंटेड? हाँ जी गारंटी। और अगर आपकी भी कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी प्रोडक्ट को लेके या और भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करने की। और जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपके लाइक्स बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अभी बढ़ते हैं हम इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो विनीत जी, सबसे पहले इस वाले मॉडल की आप थोड़ी स्पेसिफिकेशन बताइए। पहले हम इसका ग्राउंड ऑफ व्यू देते हैं आपको। आप पहले देखिए इसमें क्या क्या है। कलर काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये वाइट कलर में। और इसमें एक चीज़ और है, बास्केट आपको दी हुई है, ये एक्स्ट्रा है, मतलब पहले किसी में भी अभी तक बास्केट नहीं दी। इसमें आप दो जगह अपना कोई भी सामान है वो कैरी कर सकते हैं, आप आगे बास्केट भी है। और इसमें फुट स्पेस के पास भी आप यहाँ पे भी आपको छोटा मोटा सामान के लिए जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया या पर्स वगैरह आप इसमें कैरी कर सकते हैं। और टायर साइज की अगर बात की जाए तो विनीत जी इसमें टायर साइज क्या रहता है? 14 इंचेस ये टायर है इसका। तो बिल्कुल डिज़ाइन अगर इसका देखा जाए तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन इसका भी है। और ये भी दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं इस पर? हाँ जी, दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं। प्लस इसकी जो सीट है, ड्राइविंग सीट जो है उसमें शॉकर्स हैं। प्लस वो सीट एडजस्ट हो सकती है, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग उस सीट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें भी सीट वही वाली है? हाँ जी, तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। और पिछली सीट जो पीछे बंदा बैठता है उसके लिए भी हमने सोचा हुआ है, उसके लिए भी यहाँ पे शॉकर्स हैं दोनों साइड, तो उनको भी जर्क नहीं रहेंगे जो भी पीछे बैठेंगे। तो इसमें आगे आगे भी शॉकर होगे, पीछे भी शॉकर है, पीछे भी शॉकर है, प्लस सीट के अंदर भी शॉकर्स हैं। वो वाह भाई वाह, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है ये भी। और अब शुरू करते हैं इसका आगे से ही हम। इसमें हेड लाइट आगे कैसी दी हुई है? हेडलाइट है इसमें, एलईडी हेडलाइट्स। तो एलईडी हेडलाइट्स आपको इस वाले मॉडल में मिलती है। और अगर इंडिकेशन की बात करें तो बैटरी के इंडिकेशन, इसमें बैटरी इंडिकेशन शो करेगा इसके मीटर पे। ओके, अभी तो बैटरी ऐसे फुल है, 100% दिखा रहा है इसमें। अच्छा, 100% फुल होने के बाद चलती कितना है ये? 40-60 किलोमीटर, 40-60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, अगर आपको इससे ज़्यादा की डिमांड है तो हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। और मुनी जी, जैसे कि पिछले वाले में भी बैटरी हमें पता नहीं चल रही थी, इसमें बैटरी कहाँ पे रखी हुई है? ये फुट स्पेस के नीचे बैटरी है। ओके, और ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। और चार्जिंग टाइम इसका कितना रहता है? चार्जिंग टाइम 6-8 आवर्स है इसका। ओके, फुल चार्ज होने के लिए? हाँ जी, फुल चार्ज होने में 40-60 किलोमीटर। अच्छा, इसमें हॉर्न वगैरह है? हाँ जी, ट्रैफिक रहता है दिल्ली में तो इसमें हॉर्न भी आपको मिलता है। और ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो पिछले वाले में डिस्क थे, इसमें मेरे को डिस्क ब्रेक लग नहीं रहे। ड्रम ब्रेक है और पीछे दोनों साइड ड्रम ब्रेक्स है। ओके, बाकी सस्पेंशन का आपने बता ही दिया कि रियर में भी फ्रंट में भी आपको शॉकर मिल रहे हैं। और मुनी जी, अब इसकी एक खास बात बताइए पहले तो आप। इसकी खास बात ये है कि जैसे हर फैमिली में कम से कम दो बच्चे तो होते ही हैं, उसके लिए दो बच्चों स्कूल या कोचिंग ले जाने के लिए पेरेंट्स को दिक्कत आती है, हमें इसके लिए बहुत कॉल्स आती हैं, तो वो अपना बैग इस बास्केट में या फिर यहाँ फुट स्पेस के पास बैग रख के स्कूल या कोचिंग सेंटर बच्चे जा सकते हैं। ओके, या फिर लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ को मार्केट जाना हो या फिर कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी हो तो वो उसके अंदर अपना सामान कैरी कर सकते हैं, चाहे लेग्स या ज़्यादा सामान हो तो यहाँ पे रख सकते हैं। हाँ जी, और दो आराम से बैठ सकते हैं, दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं दो एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, बच्चे की तो बात ही दूर है, मतलब जैसे कि स्पेस दिख रहा है इसमें दो एडल्ट भी आराम से बैठ सकते हैं। तो मुनीत जी, चला के इसका एक बार देखें। हाँ जी, जो इसमें आपको कमी लगती है, जो प्रॉब्लम लगती है, आप हमें इसके बारे में बताइए, हम आगे
कोशिश करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की। और नेक्स्ट होगा हमारा कब, आपने बताया कि दिवाली के आसपास, दिवाली के नियर अराउंड आएगा, तो उसके बाद तो कोई कमी होगी नहीं किसी भी प्रोडक्ट की? नहीं, एक से बढ़कर एक, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, अब हम अपनी तरफ से करते हैं, हर कस्टमर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल सही, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, उसको हम कमी में नहीं गिनेंगे, उसको हम गिनेंगे जो हमने एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करे हैं उसके अंदर, एक आइडियाज। हाँ जी, तो गाइस जैसे कि पहली बार इतनी लंबी राइड हमने की है और सीरियसली चला के ना इसको पूरा का पूरा मज़ा आ गया, मैंने फुल स्पीड पे भी इसको चला के देखा है, लेकिन इतनी स्मूथली चली है। और जैसे कि इसमें वीडियो में बताया था कि आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं, लेकिन ड्रम ब्रेक होने के बाद भी गाड़ी बिल्कुल भी स्किड नहीं करती है ये। इसका प्राइस क्या होने वाला? इसका प्राइस अभी प्रमोशन प्राइस है 38,000, ये प्रमोशन प्राइजेज है। हाँ जी, और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी भाई, जैसे कि ओवरऑल चला के मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन जैसे कि मैं देख रहा हूँ ना, दूसरा बंदा अगर इस पे बैठेगा तो कमर पे उसके जरूर टच होगा ये, और थोड़ा सा हमने चुभेगा जरूर। देखी है, वैसे लग नहीं रहा, अगर आपको या नहीं फिर भी लगेगा जरूर, प्रॉब्लम आएगी तो हम इस पे एक फॉर्म लगवा सकते हैं। बाकी ऑल ओवर तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो वीडियो आने वाली है उसमें एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट आप हमें दिखाएं। हाँ जी, प्रॉमिस, आपकी जो भी उम्मीद होगी उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो मेरी जी, जैसे कि आप इसे नेगेटिव पॉइंट नहीं कह सकते, लेकिन मेरी तरफ से एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट आप इसे समझ सकते हैं। हाँ जी, बाकी इसमें लॉकिंग सिस्टम कहाँ से है? लॉकिंग सिस्टम इसके रियर व्हील में है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हैंडल में इसका नहीं है? हाँ जी, रियर व्हील में है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लॉक कहाँ से होती है, ये देखिए। अच्छा, अरे वाह। और बस इसकी दो कीज़ हैं, एक ये हम इसको घुमा देंगे, आपका व्हील लॉक हो गया, ये नहीं चलेगा, ये सही है। और इसकी में लाइट भी है, अगर आप अंधेरे में कहीं खड़े हैं तो आप लाइट से की होल देख के इसका लॉक खोल या बंद सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। तो अगली कौन सी ई साइकिल होने वाली जिसका रिव्यू हम करेंगे? नेक्स्ट साइकिल ये आपके सामने है, तो यही वाली नेक्स्ट वीडियो में रहने वाली है। हाँ जी, तो वैसे विनीत जी इसका कलर काफ़ी प्यारा है, और इसका प्राइस क्या रहने वाला है? इसका प्राइस रहेगा वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, आपको एक दो दिन में नेक्स्ट वीडियो इसके पूरे रिव्यू पे आपको मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।